प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा ब्रिटिश कोलंबिया दे विच मदद दे लई भेजे जा रहे ने फौजी। ब्रिटिश कोलंबिया विच हड़ करके एमरजेंसी दा ऐलान, काफी गिनती विच फार्मा दे जानवरां दी मौत। कैनेडा दे एक नाबालग नौजवान ने एक अमरीकी तो धोखे नाल लुटे लखां डालर, होई गिरफ्तारी। ब्रिटिश कोलंबिया दे इमीग्रेशन विभाग ने कढ़िया पीएनपी दा ताज़ा ड्रॉ। कल टोरंटो दे स्कूल दे विच जो चाकू चलन दा मामला सामने आया सी, दवांगे उस दे बारे अपडेट। ब्रिटिश कोलंबिया दे विच हड़ दौरान दे हालात दे बारे पूरी जानकारी दसांगे। सब तो पहला थानू जानकारी दसांगे कि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जानकारी दित्ती है कि ब्रिटिश कोलंबिया दे प्रीमियर दे वल्लों सहयोग मंगया गया, जिस तों बाद ब्रिटिश कोलंबिया दे विच मदद दे वास्ते फौज तो मैंबर भेजे जा रहे ने। फौजियां दे वल्लों हड़ दौरान इस समय जिहड़े हालात बने हुए ने उस मौके मदद की जाएगी, जिस दे वास्ते छेती ही उन्होंने वल्लों काम शुरू किया जाएगा। तो उधर ब्रिटिश कोलंबिया दे विच अज एमरजेंसी का ऐलान कर दिता गया। ब्रिटिश कोलंबिया सरकार ने हुण सूबे विच एमरजेंसी का ऐलान कर दिता है। जो तूफान आया उसके करके हड़ आए ते नाल ही पहाड़ा तो मिट्टी खिसक रही है। उस तो बाद जो मौके दे हालात ने उसनों देखते हुए ब्रिटिश कोलंबिया दे प्रीमियर दे वल्लों ऐलान किया गया कि एमरजेंसी उन्हां दे वल्लों ऐलानी जा रही है, जो कि बुधवार नूं सवेरे ही ऐलान किया गया ते बुधवार दोपहर तो एमरजेंसी लागू हो गई, जिस दे विच प्रीमियर जॉन हॉर्गन ने कहा कि कुछ दिन पहला ही तेज़ गर्मी दे करके ब्रिटिश कोलंबिया वासियां ने गर्मी दे कहर नूं सहा ते नाल ही हुण एकदम हड़ वर्गे जो हालात बने ने उसे करके ब्रिटिश कोलंबिया वासी इस समय इस हालात नाल जूझ रहे ने, जिस दे विच कईयां नूं अपने घर छड्डणे पै रहे ने। तेज़ मीह, तेज़ हवा ते नाल ही हड़ इस दे करके कई भाईचारियां नूं सूबे दे विच नुकसान पहुंचिया है। इस नाल ही एक मौत होण दी हुण तक पुष्टि कीती गई है। तो प्रीमियर जॉन हॉर्गन ने यह भी कहा कि RCMP दे वल्लों इस उत्ते रिपोर्ट दिती जाएगी कि होर भी कई व्यक्ति हो सकते ने जो कि जदों पहाड़ तो मिट्टी खिसकी उसके कारण उन्हां दी मौत हुई हो सकती है, क्योंकि कई लोगों के लापता होने के बारे जानकारी सामने आ रही है। ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर जॉन हॉर्गन ने प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के नाल भी गलबात की है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो वल्लों कहा गया है कि फैडरल पद्धर के उत्ते वह मदद के लिए तैयार ने, जो कि ब्रिटिश कोलंबिया दे विच इस समय मदद क्रियू दे वल्लों कीती जा रही है। वड्डे पद्धर दे उत्ते लोकां नूं जो कि फसे हुए ने उन्हां नूं बाहर कढ़न दा काम जारी है, ते होर सूबियां दे वल्लों भी इस समय मदद देण दे वास्ते अगे हथ वधाया जा रहा है। इस समय जिवें कि स्टेट ऑफ एमरजेंसी दा ऐलान हो गया है, तां नाल ही सूबे दे विच मदद देण दे वास्ते होर ज़्यादा टीमां भी अगे तो अगे पहुँच रही ने। कई संस्थावां दे वल्लों भी काम किया जा रहा है, तो लोगों को यह भी कहा जा रहा है कि जिस थान दे उत्ते घर खाली करन दी चेतावनी दे दित्ती जांदी है तां उसनूं तुरंत मन्निया जावे, उस दे लई उडीक ना कीती जावे, क्योंकि उस तो बाद जान दा खतरा भी हो सकदा है। क्योंकि बहुत सारे अजिहे लोग ने जिहड़े कि चेतावनी मिलण तो बाद भी घर छड्ड के उत्थे तो नहीं जांदे, जिस करके वह नुकसान का सामना कर सकते ने। इस समय जो हालात बने हुए ने उसके बारे नाल दी नाल अधिकारियों दे वल्लों जानकारी सांझी की जा रही है। इस दौरान सूबे विच जिहड़े फार्म ने उन्हां दा काफ़ी ज़्यादा नुकसान होया, फार्मां दे विच मौजूद जानवर कईयां दी मौत हो गई है। ब्रिटिश कोलंबिया दे विच हड़ दे करके जो हालात बने, जो खेतीबाड़ी का काम जिन्हां वल्लों किया जा रहा है ते फार्म विच जिन्हां ने जानवर रखे हुए सन उन्हां नूं काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। ब्रिटिश कोलंबिया की खेतीबाड़ी मंत्री दे वल्लों जानकारी दित्ती गई है कि काफ़ी गिणती दे विच जो खेतीबाड़ी ते काम दे लई वरते जाण वाले ते नाल ही फार्मां विच रखे हुए जानवर ने उन्होंने दम तोड़ दिता है, जिन्हां दे वास्ते भोजन की कमी दे करके भी इस समय चुनौतियों का सामना काफ़ी ज़्यादा किया जा रहा है। इस दौरान खेतीबाड़ी मंत्री दे वल्लों काफ़ी किसानों के संगठनों के नाल गलबात की गई है, तो जायज़ा लिया जा रहा है जो इस समय नुकसान पहुँचा, क्योंकि फार्मां दे विच पानी काफ़ी ज़्यादा भर गया ते फार्मां दे विचों जानवरों नूं बचाउण दे वास्ते कई फार्मां दे मालकां ने कोशिश तां काफ़ी ज़्यादा की, तो कईयां दे वल्लों कई जानवरों नूं बचाया भी गया, पर कईयां ने दम तोड़ दिता, जिस दे बारे जानकारी दी जा रही है। ब्रिटिश कोलंबिया की खेतीबाड़ी मंत्री का कहना है कि करीब 300 वक्खो वक्खरे पद्धर दे उत्ते संपर्क उन्होंने वल्लों किए गए ने, जो कि जायज़ा लिया गया ते जानकारी ली गई है कि किस तरह उन्होंने मदद की जा सकती है। जो इस समय
हालात बने हुए ने उस दे नाल जूझ रहे ने, क्योंकि जिवें जिन्हां दे वल्लों दुध दा काम कीता जांदा है दुध उन्हां दा खराब हो रहा है, क्योंकि सप्लाई बंद हो गई है, ट्रकां दा काम बंद हो गया है, सड़कां बंद हो गई ने, जिस करके दुध उन्हां नूं डोलना पै रहा है ते स्टोरां दे विच दुध मुक चुक्या है, खाण पीण दा समान अगे तो अगे नहीं पहुँच पा रहा, जिस दे करके काफ़ी ज़्यादा दिक्कत दा सामना किया जा रहा है। ग्रोसरी स्टोर इस समय काफ़ी खाली होए पए ने। यह चिला वैक दे फ्रैशको स्टोर दीयां तस्वीरां ने तुसीं देख सकते हो कि खाण पीण दा समान है जो वह मुक चुकिया है ते दुध दे फ्रिज बिल्कुल ही खाली ने। जिहड़े शहरां दे उत्ते हड़ दे करके काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पिया है उन्हां शहरां दे विच ग्रोसरी स्टोर करीब खाली हो गए ने। खाण पीण दा समान लोकां दे वल्लों इकदम चुक लिया गया। हड़ करके चिला वैक दा होर शहरां दे नालों सड़क दे राही संपर्क टुट गया, जिस तों बाद चिला वैक दे विच कई गैस स्टेशन तां बंद ही हो गए ने, क्योंकि गैस खत्म हो गई है ते कई जो ग्रोसरी स्टोर ने उन्हां दे विच ग्रोसरी मुक चुकी है। तुसीं देख सकदे हो इह चिला वैक दे वालमार्ट दीआं तस्वीरां ने, जिथे कि शैल्फ जिन्हां दे उत्ते भोजन मुक चुकिया है ते इस दे नाल ही दुध दे फ्रिज तुसीं देख सकदे हो कि दुध वी मुक चुकिया है। इकदम जदों लोकां नूं पता लग्गिया कि हड़ दे करके सड़कां बंद हो चुकियां ने, नाल दी नाल काफ़ी गिणती विच खाण पीण दा समान चुके लोकां दे वल्लों स्टॉक कर लिया गया, जिन्हां दे वल्लों इस समय भी नहीं सोचिया जा रहा कि उन्हां दे कोल वाधू समान पिया है, पर कुछ लोग अजिहे ने जिन्हां नूं रहण दे लई इस समय सिर ते छत नहीं मिल रही ते भोजन भी पूरा नहीं उन्हां तक पहुंच रहा। इस वास्ते ब्रिटिश कोलंबिया दे प्रीमियर दे वल्लों भी बयान जारी किया गया है, जिन्हां दे वल्लों कहा गया है कि अजिहा ना किया जाए, अपने आले दुआले रहिंदे लोकां दे बारे भी सोचिया जाए कि इकदम लोकां दे वल्लों समान खरीद के स्टॉक किया जा रहा है। अगे हुण जानकारी देवांगे ब्रिटिश कोलंबिया दे इमीग्रेशन विभाग ने जो ताज़ा ड्रॉ कढ़िया उस दे बारे। ब्रिटिश कोलंबिया दे इमीग्रेशन विभाग ने ताज़ा एक PNP दा ड्रॉ कढ़िया है। ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम दे अधीन टैक पायलट प्रोग्राम दे तहत ड्रॉ कढ़िया गया है। नवंबर 16 नूं कढ़े गए इस ड्रॉ दे विच 87 जणियां नूं इनविटेशन भेजे गए ने। इस दे विच हुण तक आम तौर दे उत्ते घट्टो घट्ट स्कोर 80 तक रहिंदा सी, पर इस वार ते इस तों पिछली वार भी घट्टो घट्ट स्कोर टैक पायलट प्रोग्राम दे विच 75 तक ही रहा है, जिस दे विच 87 जणियां नूं PNP दे लई इनविटेशन गए ने। एक्सप्रेस एंट्री BC ते स्किल्स इमीग्रेशन कैटेगरी से अधीन जिन्हां दे वल्लों फाइलां लगाईयां गईयां इस प्रोग्राम दे अधीन, जिस दे विच अगे स्किल्ड वर्कर ते नाल ही इंटरनेशनल ग्रैजुएट दीयां सब कैटेगरीज़ ने जिस दे विच इह इनविटेशन भेजे गए ने। जिन्हां नूं इह इनविटेशन गए ने उन्हां दे कोल 30 दिन दा समां है कि उह अगे अपनी फाइल नूं जमा करवा सकदे ने। ब्रिटिश कोलंबिया सूबे दे वल्लों साल 2021 दे विच 10,500 जणियां नूं PNP तहत इनविटेशन भेजे जा चुके ने। टैक पायलट प्रोग्राम पहलां तां सीमित समय दे लई शुरू किया गया सी, पर तकनीक दे काम दे विच कामियां दी मंग नूं देखदे होए इस प्रोग्राम नूं अणमिथे समय दे लई लागू कर दिता गया, जो कि साल 2017 दे विच ही शुरू किया गया सी, जिस दे विच ना सिर्फ ओ फाइलां लगा सकते ने जिहड़े कि इस समय कैनेडा दे विच मौजूद ने, सगों जिहड़े कि कैनेडा दे बाहरले मुल्कां दे विच मौजूद ने ओ वी BC टैक पायलट प्रोग्राम दे अधीन अपनी फाइल लगा सकते ने, जिस दे विच जदों उन्हां दी PNP अप्रूव हो जाती है तां अगे ओ फैडरल दे विच PR दे लई फाइल लगा सकते ने, क्योंकि इस समय जिवें कि कैनेडा दे इमीग्रेशन विभाग दे वल्लों ओह कैंडीडेट जिन्हां ने बाहरले मुल्कां तों एक्सप्रैस एंट्री लई फाइलां लगाईयां होईयां ने उन्हां दे वास्ते हजे कोई इनविटेशन नहीं आ रहे, कोई ड्रॉ नहीं कढ़िया गया, पर जिन्हां दी PNP अप्रूव हुंदी है फिर बेशक ओह कैनेडा दे बाहरले मुल्कां दे विच बैठे होण उन्हां दे वास्ते ड्रॉ निकलदे ने ते उन्हां दी PR दी प्रक्रिया भी चल रही है। हुण तुहानूं दस्सांगे कि ओंटैरियो दे विच जो एक नाबालग नौजवान नूं गिरफ्तार किया गया। ओंटैरियो दे रहण वाले एक नाबालग नौजवान नूं गिरफ्तार किया गया, जिस दे उत्ते इल्जाम ने कि उसने अमेरिका दे रहण वाले एक व्यक्ति दे 46 मिलियन डॉलर चोरी किए, जो कि क्रिप्टो करंसी दे राही उसने एक वड्डा स्कैम किया। हैमिल्टन पुलिस ने बुधवार को इस बारे जानकारी साझी की, जिस दे विच उन्होंने कहा कि FBI ते नाल ही यूनाइटेड स्टेट सीक्रेट सर्विस इलैक्ट्रॉनिक क्राइम टास्क फोर्स इन्हां दे वल्लों मिल के मार्च 2020 दे विच इस मामले की जांच शुरू की गई सी। पुलिस मुताबक पीड़ित नूं इक सिम दे राही निशाना बनाया गया, जिस तों बाद क्रिप्टो करंसी दे राही स्कैम करदे हुए नौजवान ने 46 मिलियन डॉलर चोरी कर ले, जिसनों के गिरफ्तार किया गया। हैमिल्टन पुलिस ने उस नौजवान के उत्ते $5,000 तो वध दी चोरी ते नाल ही होर मामले दर्ज किए ने। पुलिस का कहना है कि अदालत दे विच यह मामला इस समय चल रहा है, इस दे बारे हुण अगे कोई जानकारी सामने आएगी तो वह दसणगे।
पर यह दावा किया गया कि क्रिप्टो करंसी दे नाल संबंधित जो स्कैम होंगे ने कैनेडा के इतिहास के पहली बार कोई इन्ना वड्डा स्कैम होया है जो कि एक नाबालग नौजवान के वलों किया गया क्योंकि वह नौजवान नाबालग है जिस करके उसका नाम जनतक नहीं किया जा सकता। पर फिलहाल FBI ते नाल ही यूनाइटेड स्टेट सीक्रेट इलैक्ट्रॉनिक क्राइम्स टास्क फोर्स के वलों इस दे उत्ते होर ज़्यादा काम किया जा रहा है जिस दे बारे उन्हां दे वलों होर जानकारी सांझी भी की जा सकती है। अगे जानकारी कि टोरंटो के एक स्कूल विच कल जो चाकू चलन का मामला सामने आया सी उस दे विच एक 15 साल के नौजवान की मौत हो गई है। जो कल टोरंटो के एक स्कूल विच चाकू चलाउण दा मामला सामने आया उस दे विच 3 जने जख्मी होए सी जिन्हां विचों एक नौजवान की हालत गंभीर बनी हुई सी ते उस नौजवान ने हुण दम तोड़ दिता है। पुलिस ने जानकारी सांझी की है जिस दे विच दस्सिया गया है कि एक 15 साल नौजवान जो कि 11वीं जमात विच पढ़दा सी माहिर दोसानी वजो उसकी पछाण हुई है। उसकी तस्वीर भी तुसी देख सकते हो। उसने दम तोड़ दिता हस्पताल दे विच पहुँच के। पुलिस अधिकारियों नूं मंगलवार की दोपहर 3 बजे इस मामले के बारे जानकारी मिली। विक्टोरिया पार्क कॉलजिएट इंस्टीट्यूट के विच नॉर्थ यॉर्क के विच पहुंचे जिथे कि 3 जने जख्मी हालत में मौजूद सन। दरअसल नौजवानों के विच लड़ाई हुई जिस तों बाद एक 19 साल के नौजवान ने दूजिया के उत्ते चाकू चला दिते। इस दौरान 15 साल नौजवान के उत्ते ज़्यादा गंभीर हमला किया गया जिसने कि दम तोड़ दिता। इस नाल ही एक 14 साल का नौजवान से एक 16 साल का नौजवान से उन्हों का हस्पताल विच इलाज चल रहा है जिन्हों की हालत खतरे तो बाहर है। पर इस दौरान पुलिस ने दसिया कि 19 साल के एक नौजवान के उत्ते मामले दर्ज हुए हैं जिस के उत्ते चाकू चलाउण के इल्जाम ने जिसकी पछाण टोरंटो के रहने वाले अहमद राफिन के वजों हुई है जिस के उत्ते 2nd डिग्री के कतल का मामला भी दर्ज हो गया है। पुलिस के वलों इस मामले की होर जांच की जा रही है। तो दूजे पासे जिस नौजवान की जान गई है 15 साल नौजवान उसकी माँ दे वलों शिकायत की जा रही है कि जदों उसते चाकू वज्या तो उसनू हस्पताल पहुँचाया गया तो उसके मापियां नू इस बारे कोई जानकारी नहीं दी गई तो उन्होंने नहीं सी पता कि उन्हां दे पुत्र दे नाल कुछ अजिहा होया है जिन्हां नू काफ़ी देर दे बाद इस दे बारे पता लग गया। कैनेडा भर विच अज एमरजेंसी अलर्ट जारी किया गया सी जो कि एक टैसट अलर्ट सी। कैनेडा भर विच अज एमरजेंसी अलर्ट सिस्टम नू चैक किया गया जिस दे नाल फोन TV ते होर डिवाइस उन्हां दे उत्ते संदेश आउंदा है एमरजेंसी दा जिस दे विच लिखिया हुंदा है कि यह अलर्ट सिस्टम नू चैक किया जा रहा है। दरअसल कभी भी कोई एमरजेंसी होवे तां अजिहे विच लोकां नू एकदम जानकारी पहुँचाउण दे वास्ते यह अलर्ट सिस्टम बनाया गया है जिस नू समय समय दे उत्ते चैक भी किया जाता है। बुधवार 17 नवंबर नू यह चैक किया गया सी पर ब्रिटिश कोलंबिया दे लई इस नू रद्द कर दिता गया ते नॉर्थ वैसट टैरीटरीज दे विच भी इस नू रद्द कर दिता गया। ब्रिटिश कोलंबिया दे विच इस समय हड़ करके जो हालात बने हुए ने तां कि लोकां नू कोई होर भुलेखा ना पवे जिस करके इस सिस्टम नू उत्थे लई रद्द कर दिता गया। अल्बर्टा दे विच दोपहर दे 1:55 दे उत्ते मैनीटोबा दे विच भी 1:55 दे उत्ते यह अलर्ट लोकां दे फोनां दे उत्ते जां फिर TV ते होर सिस्टम दे उत्ते आया। न्यू ब्रंसविक दे विच सवेरे 10:55 दे उत्ते न्यू फाउंडलैंड दे विच भी 10:55 दे उत्ते सवेरे यह अलर्ट आया। नोवा स्कोशिया विच 1:55 दे उत्ते दोपहर नू, नुनावत दे विच दोपहर दे 2 बजे, ओंटेरियो दे विच दोपहर नू 12:55 दे उत्ते, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड दे विच 12:55 दे उत्ते, क्यूबैक विच 1:55 ते सस्कैचवन दे विच भी 1:55 ते यूकॉन दे विच भी 1:55 दे उत्ते एमरजेंसी अलर्ट भेजा गया।